नमस्कार, मैं माधवी सिंह मात रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं मूंग दाल खस्ता बनाना बताऊंगी। मूंग दाल की मठरी बनाने के लिए मैंने ये बिना छिलके वाली मूंग दाल ली है। ये मैंने एक कटोरी 2 घंटे पहले सोख करके रख दी थी। यदि आपको जल्दी हो तो आप गर्म पानी में इसे भिगो सकते हैं। और अब ये भीग के इस तरह से हो गई है। अब इसे हम क्या करेंगे कि मिक्सर ग्राइंडर में एकदम बारीक पीस लेंगे। इसके लिए बिल्कुल बारीक दाल चाहिए रहती और ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 चम्मच। अब इसे मैं पीस लूँगी बारीक। अब ये देखिए, ये एकदम बारीक ये पीस गई है, ये देखिए। अब इसे हम एक बाउल में पलट लेंगे। हाँ, अब ये बारीक मैंने पीस लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, नमक। इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच नमक और ये 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी, इससे कलर अच्छा आएगा। और थोड़ा सा लाल मिर्च और हींग और ये 1/2 चम्मच कुटा हुआ काली मिर्च, कूट के ही डालना है इसे। अब ये 1/2 चम्मच अजवाइन क्रश ऐसे हाथ से ऐसे करके। और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये 1 कप हमने लिया है मैदा। अब इसे मैदे को हम इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए फिर मिलाएंगे कि देखते हैं कितना मैदा लगता है इसमें। हाँ, 2 चम्मच इसमें ऑयल भी डालना है, 2 चम्मच ऑयल। इसमें मैदा हम डालते हुए फिर इसे सॉफ्ट डो बना लेंगे। अब ये डो बन के हमारा तैयार हो गया है। इसमें मैंने जो मैदा 1 कप पूरा भर के लिया था वो पूरा लग गया है, ये ऐसा। अब इसे मैं रख दूंगी और 5 मिनट के लिए। अब इसकी क्या करूंगी, मैं लोइयां तैयार कर लूँ। जितनी बड़ी रोटी की रहती है उससे थोड़ा सा बड़ी, इतनी बड़ी फिर लोइयां बना लूँगी। रोटी से थोड़ा सा बड़ी है। अब इसे बेल लेंगे हम आटा लगा के। अब मैं इसकी स्लरी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 3 चम्मच घी लिया है, 3 चम्मच घी और 3 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर ले लेंगे या चावल का आटा, तो मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। अब इसमें हम 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब ये स्लरी हमारी बन गई है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब लोई लेंगे और इसे रोटी जैसे पहले बेल लेंगे। या आप घी तेल भी लगा के बेल सकते हैं। जितनी पतली रोटी रहती है उसी साइज की हम बेल लेंगे। ये देखिए, ये अब इसमें क्या करेंगे, हमने जो स्लरी बना के रखा था वो हम लगा देंगे, हाथ से ही लगा देंगे अच्छे से। अब इसमें मैंने लगा दिया स्लरी। अब इसे ऐसे करेंगे और इधर से अब इसमें भी लगा देंगे। इसे 2-3 बार इसे ऐसे ऐसे दोहराना है। इसमें भी थोड़ा सा, इसमें मैंने डस्टिंग करना भूल गई थी, इसमें भी डस्टिंग करना चाहिए, करना था, मैं फिर से कर दे रही हूँ।
इससे क्या है परत अच्छी बनती है। अब इस पर भी हमने डस्टिंग कर दी। अब इसको क्या करेंगे, फिर से इसे ऐसे मोड़ देंगे इस तरह से। अब इसे हम बेल देंगे, ऐसी बेलना है। अभी हमने फिर से इतना बेल लिया, अब फिर से इसके ऊपर लगा देंगे, कोटिंग कर देंगे। अब इसमें फिर से इस तरह से करके और इसमें फिर से स्लरी लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डस्टिंग करके और इसे बस ऐसे कर देंगे। इसको थोड़ा सा हल्का हाथ से बेलन चला देंगे, बस। अब इसे काट लेंगे, इसके साइड के दोनों भाग थोड़ा सा अलग कर देंगे। अब इसे पतले पतले पीस में काट लेंगे। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, इसे स्लो फ्लेम में ही पहले डालेंगे। इस तरह से मैं ऑयल में डाल दूंगी इसे। अभी स्लो फ्लेम में ही रखना है। अभी अभी इसे हिलाना नहीं है, जब थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि हाँ हो गया है तब फिर इसे चला देंगे हम। नहीं, अभी नहीं चलाना है, थोड़ा सा और हो जाए फिर। ये इसकी परत खुलने लगी है, अब इसे हम पलट देंगे। इसकी परत खुलने लगी है, बस इस तरह से अब हम स्लो फ्लेम में पकने देंगे। अब ये देखिए कितने अच्छे सिक गए हैं, एकदम ब्राउन ब्राउन। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम सारी मटरियों को सेक लेंगे। ये वाइट वाइट जो ऑयल हो जाता है, ये क्या है कि जो हमने ये आटा डस्ट किया था ना, उसका ये जो आटा निकल के इसलिए ऐसा वाइट हो गया है। अब ये मूंग दाल खस्ता बनके तैयार है। ये देखिए इसमें कितनी बढ़िया परत है और ये खस्ता भी है। ये देखिए एकदम अंदर तक बिल्कुल सिका हुआ है। अब ये मूंग दाल खस्ता बनके तैयार है। ये देखिए कितना बढ़िया परत है, एकदम खुल गई है सारी परतें। और आप भी बनाइए और खाइए और खिलाइए। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।